हेलो, वेलकम टू अचीवर्स। आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कंप्लीट ज्योग्राफी को कवर करेंगे, जो हमारे एनडीए, सीडीएस और सीआरपीएफ के सिलेबस में मेंशन्ड है। आज का ये वीडियो कम्प्लीटली सोलर सिस्टम पे फोकस्ड होगा और साथ में हम पीवाईक्यूज भी करेंगे, जो हमारे अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस भी स्टूडेंट ने CDS 1 2024 का एग्ज़ाम दिया है, उसे ये पता होगा कि इस साल कोई भी क्वेश्चन सोलर सिस्टम से रिलेटेड नहीं पूछा गया। बट अगर हम प्रीवियस ट्रेंड को चेक करें, हर साल एक या दो क्वेश्चन सोलर सिस्टम से पूछा जाता है। तो इसे भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मानते हुए हम कंप्लीट सोलर सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स एक ऐसा स्पेस जहाँ पे सारा का सारा फिजिकल मैटर एग्जिस्ट करे। इस फिजिकल मैटर में हमारे गैलेक्सीज आ गया, स्पेस डस्ट, रॉक्स, मिट्योराइट्स, कॉमेट्स सब एग्जिस्ट करे, उसे हम यूनिवर्स कहते हैं। हमारी यूनिवर्स के अंदर मल्टीपल गैलेक्सी भी एग्जिस्ट करता है। अब गैलेक्सीज के अंदर बेसिकली ये देखा जाता है कि क्या क्या एग्जिस्ट करे। तो उधर प्लैनेट्स, सन्स, जैसे हमारा सोलर सिस्टम हो गया, मिट्योराइट्स और डस्ट पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, और मल्टीपल गैलेक्सीज मिलकर एक यूनिवर्स फॉर्म करता है। जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, हम उसे कहते हैं मिल्की वे। और उसी तरीके से जो हमारा गैलेक्सी है, उसका सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है एंड्रोमेड। और जो हम अभी कर रहे हैं, जो कंप्लीट स्टडी ऑफ यूनिवर्स है, उसे हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। अब हम स्टार्ट करेंगे बिग बैंग थ्योरी के साथ। बिग बैंग थ्योरी को जॉर्जेस लेमेत्रे ने प्रेजेंट किया था। उन्होंने ये कहा था कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो एक टाइनी सा बॉल एक्सप्लोड हुआ, जिसके कारण एक कंप्लीट यूनिवर्स फॉर्म हुआ। उनका कहना ये भी है कि जो हमारा यूनिवर्स है, एक्सपैंड कर रहा है और एक्सपैंड करता रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम के साथ। सोलर सिस्टम का पहला यूनिट है हमारा सन। सन जो हमारे सोलर सिस्टम का 99% ऑफ मास है, वो हमारे सन से आता है, जिसके कारण एक ग्रेविटेशनल पुल फॉर्म हुआ है हमारे सन के अराउंड, जो हमारे प्लैनेट्स का ऑर्बिट फॉर्म कर चुका है। और जो हमारे सोलर सिस्टम का मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन एनर्जी है, वो हमारे सन से आता है। और जो एनर्जी फॉर्म होता है हमारे सन में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। एक्चुअली न्यूक्लियर फ्यूजन में जो हमारा हाइड्रोजन है, वो हीलियम में कन्वर्ट होता है हमारे सन के कोर के अंदर। अब बात करते हैं प्लैनेट्स की। यहाँ पे दो पार्ट्स में प्लैनेट्स को डिवाइड किया गया। पहले चार प्लैनेट्स को हमने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा है, और अगले चार प्लैनेट्स को जोवियल। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है, जो पहले चार प्लैनेट जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, वो एज़ कम्पेयर टू जोवियल बहुत छोटे होते हैं। क्योंकि इनका साइज छोटा है, तो इनका जो डेंसिटी है, वो एज़ कम्पेयर टू जोवियल प्लैनेट्स ये ज़्यादा होता है। यानी साइज छोटा और इनका जो डेंसिटी है एज़ कम्पेयर टू जोवियल प्लैनेट्स, वो बहुत ज़्यादा। बात आती है टेम्परेचर की। क्योंकि ये जो चार प्लैनेट हैं सन के बहुत नज़दीक हैं, इनका टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू जोवियल ज़्यादा होता है। और साथ अब बात करते हैं हम नाइन्थ प्लैनेट के बारे में। एक्चुअली 26 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि जो प्लूटो है, उसे हम हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक डर्फ प्लैनेट अनाउंस करते हैं। इसका मेन रीज़न ये था कि जो प्लूटो था, वो मोस्टली कोल्ड गैसेस से फॉर्म हुआ है। क्योंकि एक गैसेस का फॉर्म है, एक गैस का कलेक्शन है, इसे प्लैनेट की कंसिडरेशन में नहीं लिया गया और इसे बाहर कर दिया गया। उसके नीचे आप डिस्टेंस के यूनिट्स देख सकते हैं, जो मोस्टली यूज़ होता है मेजर करने के लिए स्पेस में डिस्टेंस को। लाइट ईयर को मोस्ट कॉमनली डिस्टेंस कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जो गिवन है, ये अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस बताने के लिए यूज़ होता है। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के बारे में,
जो हमारे पहले चार टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, मेरक्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेरक्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट और सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्लोज है सन के। इसका रिवॉल्यूशन बहुत फास्ट है, और क्योंकि इसका रिवॉल्यूशन बहुत फास्ट है, मेरक्यूरी हैज़ द शॉर्टेस्ट ईयर एज़ कम्पेयर टू अदर प्लैनेट्स। बात करते हैं वीनस की। वीनस इज ऑल्सो नोन एज अर्थ्स ट्विन, और जो हमारा वीनस है वो सेकेंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, क्योंकि इसका जो 70% ऑफ एटमोसफियर है वो एल्बेडो प्रेजेंट है। और वीनस जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी है, क्योंकि इसके जो एटमोसफियर है उसमें 92% से भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। हम वीनस को इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कह के पुकारते हैं। बात करते हैं अर्थ की। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसके अंदर एटमोसफियर प्रेजेंट है, और यही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे वाटर का प्रेजेंस है और लाइफ फॉर्म हो सकता है, और हम अर्थ को ही ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। चौथा प्लैनेट है मार्स। मार्स को हम रेड प्लैनेट के नाम से जाते हैं, और मार्स के पास खुद का दो सैटेलाइट है, प्रोबोस और डेमोस। जो हमारा डेमोस है वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट है। बात करते हैं जूवियल प्लैनेट्स की। जुपिटर जुपिटर जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, और इसे हम लॉर्ड ऑफ रिंग के नाम से भी जानते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में फास्टेस्ट रिवोल्यूशन टाइम है इसका, और 95 मून्स है। इसका मोस्ट कॉमनली नोन मून्स में यूरोपा आता है, गैमाइड आता है। और गैमाइड के बारे में नोट करने वाली बात यह है कि ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट, और मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट सैटर्न के पास है। और प्रीवियसली एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी से कि ऐसा कौन सा सैटेलाइट है जिसके पास खुद का नाइट्रोजन प्रेजेंट है, या सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है। वो है टाइटन। नोट करने वाली बात ये भी है कि टाइटन ही एक ऐसा सैटेलाइट है जिसके पास खुद का एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, और प्लैनेट्स में सिर्फ और सिर्फ अर्थ है जिसके पास खुद का एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं यूरेनस और नेप्ट्यून की। यूरेनस और नेप्ट्यून को जोवियल ट्विंस भी कहा जाता है, और अक्सर स्टूडेंट एक पॉइंट को लेके कंफ्यूज होते हैं, ग्रीन प्लैनेट और ग्लीन स्टार। यूरेनस को हम ग्रीन प्लैनेट कहते हैं और नेप्ट्यून को हम ग्रीन स्टार कहते हैं, और इसका ग्रीन अपेयरेंस का रीज़न ये है कि इसमें मीथेन प्रेजेंट है। इन दोनों प्लैनेट में मीथेन प्रेजेंट है। अब मैंने दो टेबल्स प्रोवाइड किया है जिसमें प्लैनेट्स के रिवॉल्यूशन, रोटेशन और टेम्परेचर का लिस्ट है। जैसे आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, पहला लिस्ट में कि जो सबसे छोटा रोटेशन पीरियड है वो है 10 आवर्स के साथ जुपिटर का, जो हमने पहले डिस्कस किया। उसी तरीके से जो सबसे फास्टेस्ट रिवोल्यूशन रोटेशन है वो है हमारा वीनस का, 243 डेज। अब रिवोल्यूशन की बात होती है तो मेरक्यूरी का सबसे फास्टेस्ट रिवोल्यूशन है 88 डेज, और सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट है हमारा नेपच्यून 165 ईयर्स के साथ। ये पॉइंट्स नोट करना ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और नेक्स्ट टेबल ये जो प्रोवाइड किया है ये टेम्परेचर के बारे में, करीब 3 साल पहले के क्वेश्चन पेपर में क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए आया था, अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर। आप इस लिस्ट में नोट कर सकते हैं, मैं भी बता देता हूँ। नेपट्यून जो है सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट में आता है, और सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट आता है हमारा वीनस, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके पहले डेंसिटी और ग्रेविटी पे भी पूछा जा चुका है, और ये पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने इसका भी टेबल जो है आपको स्लाइड में डाल दिया है। आप एक बार गो थ्रू करेंगे, आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है या डेंस जो है वो हमारा अर्थ है, और सबसे कम सर्टन।
जैसे जब मैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने तब भी ये पॉइंट बोला था कि जो भी हमारा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है उसका जो डेंसिटी है वो एज कम्पेयर टू जोवियल प्लैनेट्स ज़्यादा होगा। आप इस टेबल पे देख सकते हैं। और ये वाइट वाला टेबल जो आप नोटिस कर रहे हैं, ये ग्रेविटी के ऊपर है। अब ग्रेविटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल। बेसिकली आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, जिसके कारण इसका सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल एग्जिस्ट करता है। और साइज में छोटा होने के कारण मेरक्यूरी सबसे कम ग्रेविटेशनल पुल एग्जिस्ट रखता है। अब बेसिकली मैं एग्ज़ाम के टाइम पे नोटिस कर चुका हूँ कि स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में। रोटेशन, जैसे आपने शक्तिमान देखा होगा एक ही जगह में गोल गोल घूमना, उसे हम रोटेशन कहते हैं। और रिवॉल्यूशन, जिस फोटो में आप देख सकते हैं रिंकू सिंह बैट के लिए विराट कोहली का चक्कर काट रहा है, उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये तुम्हारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। कुछ फैक्ट्स जो आपको याद रखना है एग्जाम में जाने से पहले, कि सबसे बड़ा प्लैनेट क्या है, वो है जुपिटर। ये क्विक रिवीजन के लिए मैंने साइड डाला, अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं ये आपके काम आएगा। बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट मेरक्यूरी, बिगेस्ट सैटेलाइट गैमेट, स्मॉलेस्ट डीमोस। ब्लू प्लैनेट है अर्थ, ग्रीन प्लैनेट है यूरेनस, और ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वीनस, ब्राइटेस्ट स्टार सोरियस, जिसे हम डॉग स्टार भी कहते हैं। ये नोट करने वाला पॉइंट है। क्लोजेस्ट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोल्डेस्ट प्लैनेट जो मैंने लिस्ट में बताया, नेपट्यून। इवनिंग स्टार या अर्थ ट्विन जो हमारा वीनस है। रेड प्लैनेट हमारा मार्स। स्लोवेस्ट रिवॉल्यूशन नेपट्यून, स्लोवेस्ट रोटेशन वीनस। ओनली सैटेलाइट विथ एटमोसफियर लाइक अर्थ, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया टाइटन, खुद का सैटेलाइट। जो टाइटन एक सैटेलाइट है किसका, हमारे सैटर्न का, जिसके पास खुद का एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है और नाइट्रोजन हाईएस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है। अब कॉमेट एस्ट्रॉइड बहुत बेसिक टॉपिक्स है। अब हम का बात करते हैं मिट्योर्स की। पहले बात करेंगे मिट्योराइट्स, जो यूजुअली एस्ट्रॉइड से साइज में छोटे होते हैं साइज में, और हमारे स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, तो तब हम उसे मेटियोराइट कहते हैं। जब वही मेटियोराइट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है, उसे हम मेटियोर कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, उसका ट्रैवलिंग स्पीड ज़्यादा होता है, और वो ब्राइट अपेयर करता है जब वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होता है। जब वो हमारे अर्थ को हिट कर चुका होता है या रीच कर चुका है, तब हम उसे बोलते हैं मेटियोराइट। और इसमें नोट करने वाली बात यह है, जो मिटियोर है, जो हमारे सन के एटमॉस्फेयर को, जब हमारे सन के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, उसे हम शूटिंग स्टार या फॉलिंग स्टार भी कहते हैं। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिटियोराइट्स फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिटियोराइट्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स, जो आपके इस लास्ट पॉइंट में मेंशन है। अब हम बात करते हैं सोलर इक्लिप्स और लूना इक्लिप्स की। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, जिसमें तुम्हें ये याद रखना है, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो उसे हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं, और वहीं जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है उसे हम लूना एक्लिप्स कहते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि जो लूना एक्लिप्स है साल में 2 बार तक फॉर्म हो सकता है, जहाँ पे सोलर एक्लिप्स 2 से 5 बार तक हमारे स्पेस में फॉर्म होता है या 2 बार होता है। बात कर लेते हैं मून की। मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ, और जो मून का ग्रेविटेशनल पुल है वो 1/6 पार्ट है हमारे अर्थ का।
अपोलो 11 जो है एक फर्स्ट मैंड मिशन था जो लैंड करा था मून में, जो नासा ने सेंड किया था। ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर क्वेश्चन पे आ सकता है, अपोलो 11। तो हम आते हैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। इसमें ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा प्लैनेट हमारा इनर प्लैनेट है। ये बहुत ज़्यादा इजी है, मेरक्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। अगला क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड जूवियल प्लैनेट्स। जो हमारा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है वो हायर इन डेंसिटी देन जोवियल प्लैनेट। हाँ ये सही है, मैंने पहले भी डिस्कस किया, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आर डेंसियर देन जोवियल प्लैनेट्स। अगला पॉइंट ये कहता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर स्मॉलर देन जोवियल प्लैनेट्स। हाँ, क्योंकि ये साइज में छोटे हैं इसी के कारण ये ज़्यादा डेंसियर है। द जोवियल प्लैनेट्स हैव लो ग्रेविटी देन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ये पॉइंट गलत है एक्चुअली। जब आपको मैंने पढ़ाया था आपने नोटिस किया होगा, जिन प्लैनेट्स का साइज बड़ा होता है उनका ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होता है। विच ऑफ द प्लैनेट्स हैव रिंग्स अराउंड देम। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, जुपिटर, यस, सैटर्न, यस, एंड यूरेनस, यस। मार्स एक प्लैनेट है जिसमें रिंग्स प्रेजेंट नहीं होता है। अभी ये जो क्वेश्चंस है ये सन से रिलेटेड है, जो मैं अभी आपको कराऊंगा। सन, तो हम बेसिक स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं सन का। जो सन का जो मोस्ट इनर, अब हम समझने वाले हैं सन के बारे में। सन का जो इनर मोस्ट पार्ट है उसे हम कहते हैं कोर। और उसी तरीके से सेकेंड लेयर में आता है हमारा रेडियो एक्टिव जोन, जो हम मैंने आपको प्रीवियसली न्यूक्लियर फ्यूजन समझाया था, जहाँ पे एनर्जी फॉर्म होता है वो इसी एरिया में फॉर्म होता है, रेडियो एक्टिव जोन। थर्ड होता है कनेक्टिव जोन, जहाँ से तुम्हारा एनर्जी एमिट होता है, बाहर निकलता है। ये हो गया तुम्हारे प्लान सन के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब इसके ऊपर जो है फोटोस्फीयर, क्रोनोस्फीयर और कोरोना, ये तीनों सन के एटमॉस्फेयर के बारे में पता था। जो सन का एटमॉस्फेयर है उसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं, और क्रोमोस्फीयर जो आउटर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, हम उसे कहते हैं। अब बात आती है कोरोना की। जब हमारे अर्थ से हम सोलर इक्लिप्स देखते हैं, जो ये ब्राइट साइड दिखता है उसे ही हम कोरोना कहते हैं। ये हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे एक्सट्रीम आउटर मोस्ट पार्ट है, जहाँ पे लाइट एमिट होते हुए, गैस एमिट होते हुए दिखता है, उसे हम कहते हैं कोरोना। और जब हम अर्थ से देखते हैं सन की तरफ तो हमें क्रोमोस्फीयर दिखता है। तो यही क्वेश्चन है जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल टू ह्यूमन। तो इसका आंसर है, वॉट इज द टाइम टेकन बाई द लाइट ऑफ द सन टू रीच अर्थ, दैट इज 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स। और ये थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सन इज विजिबल एट द टाइम ऑफ इक्लिप्स। इक्लिप्स के टाइम कौन सा पार्ट हमें दिखता है, वो है हमारा कोरोना। फ्यूजन है, ये हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है वो हमारा फ्यूजन होता है, जो फिजन हमारे सन में होता है। हमारे सन में हाइड्रोजन हीलियम फॉर्म करता है हमारे रेडियो एक्टिव जोन के अंदर, जो हमारे सन के सेंटर के अंदर आता है। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, अरेंज द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर रिवोल्यूशन वेलोसिटी। ये क्वेश्चन, विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, ये भी आप खुद करेंगे। विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज नोन फॉर इट्स
प्रोमिनेंट रिंग्स? इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। जो आखिरी के 3 क्वेश्चन हैं इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे।